दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजते ही लगातार प्रचार प्रसार सभी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार जनसंवाद के जरिए लोगों को जोड़ रही है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कृष्णनगर वार्ड नंबर 211 में उम्मीदवार जुगल अरोड़ा के लिए प्रचार करने पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। नगर निगम चुनाव की शुरुआत होते ही लगातार सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार जनसंवाद कार्यक्रम दिल्ली के हर वार्ड में किया जा रहा है। आपने कृष्णा नगर वार्ड नंबर 211 में जनसंवाद कार्यक्रम किया है। वार्ड नंबर 211 से जुगल अरोड़ा उम्मीदवार हैं और वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उम्मीदवार जुगल अरोड़ा के लिए प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि एमसीडी का मेन काम है कूड़े की सफाई और वो आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन बीजेपी जेब की सफाई कर रही है। आम लोगों का छोटे से छोटे काम के लिए बीजेपी की एमसीडी पैसा लेती है। कन्वर्जन के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता से बीजेपी की एमसीडी लेती है। 15 साल एमसीडी में कुछ काम नहीं किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं दी, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, और जब एमसीडी में हमारी सरकार आएगी वो सब किया जाएगा जो जनता कहेगी। आज पूरी दिल्ली में लोग बीजेपी के 15 साल के काम से दुखी होकर हर जगह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया, एक भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जनता को कोई फायदा हो। केवल जेब की सफाई की, कूड़े की सफाई की नहीं, गलियों की सफाई की नहीं। तो अब जनता ने मन बना लिया है कि केजरीवाल जी की सरकार लाएंगे और केजरीवाल जी को जिता के एमसीडी में भी बिठाएंगे, ताकि जैसे दिल्ली की जिम्मेदारियां, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियां केजरीवाल जी ने पूरी की, इसी तरह से घर का बहन भाई बेटा सबको अपना समझ के दिल्ली की सफाई के लिए, कूड़े की सफाई के लिए केजरीवाल जी काम करेंगे। वहीं कृष्णा नगर वार्ड नंबर 211 से उम्मीदवार जुगल अरोड़ा ने कहा कि जब हमारी सरकार एमसीडी में बनेगी और मैं यहां से पार्षद बनूंगा तो सबसे पहले तो साफ सफाई का काम किया जाएगा, सीवेज सिस्टम को ठीक करेंगे, उसके बाद जो कन्वर्जन को लेकर लोगों की समस्याएं होती हैं उनको सुना जाएगा। जो इस समय बीजेपी के लोग कन्वर्जन के नाम पर लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। सफाई के लिए हमने प्लान बना लिए, क्योंकि सफाई कोई टेंडर का काम नहीं है कि टेंडर खुलेगा तब सफाई होगी, ये अधिकारियों से कराने का काम है। और बिल्कुल हमारे पास पूरा प्लान बना हुआ है हमने कैसे सफाई करानी है। उस प्लान के तहत कृष्ण नगर में 3 दिन के अंदर जीतने के बाद ये कार्रवाई चालू कर दूंगा और कहीं भी कृष्ण नगर निवासियों को कूड़ा नजर नहीं आएगा। इस समय जगह जगह गंदगी देखने को मिलती है। छोटे छोटे काम के लिए एमसीडी लोगों से पैसे लेती है, बिना पैसे के काम नहीं करती है। और जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी तो ऐसा नहीं होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि एमसीडी में कब्जा किसका होता है, ये मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा। टोटल टीवी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।